अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल कान सिंह विल व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ रहें अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें और खैरियत से रहें। सुबह उठा और नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद भैंसों को चारा डाला और उनका दूध निकाल के अब मैं जा रहा हूँ चारा काटने के लिए मकई का। मई जून इन दो माह में चारे की बहुत कमी होती है, इसलिए मकई पे गुजारा करना पड़ता है। मकई एक फसल है जो किसान काश्त करते हैं, वो हम डालते हैं। उसका एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि जानवरों का पेट भी भर जाता है और नुकसान ये है कि उससे दूध भैंसों का जो है कम हो जाता है, काफ़ी ही कम हो जाता है। और आपको बताता चलूँ कि हमारा शैम्पी जो है बकरा वो बीमार है, काफ़ी दिनों से उसका इलाज कर रहे हैं, दवाई भी खिला रहे हैं, अभी टीका नहीं लगाया, तो दुआ करें अल्लाह ताला उसको सेहत दे। मकई जो है वो तकरीबन गांव से आधा किलोमीटर दूर है, तो वहां तक मैं पैदल जा रहा हूं। पीछे जो है कज़न मेरा आएगा गिड़ी लेकर, उस पर हम रख कर लेकर जाएंगे। ये इस तरफ भी मकई खड़ी है, ये जो सामने आप देख रहे हैं मकई की तरफ जा रहे हैं चारा काटने के लिए, अपने जानवरों का पेट भरने के लिए। ये हमारा गांव का स्विमिंग पूल है, इसको खाड़ा बोलते हैं पंजाबी में। ये देखिए नहर में पानी आ चुका है, अभी कुछ दिन बंद हो गई थी लेकिन अब दोबारा फिर इसमें पानी आ गया। देखें इस पाइप से हमने गुजरना है और वो सामने मकई का चारा वहां से हमने काटना है। आ जाओ दूसरी साइड, तो ये लोग दूसरी साइड पे जा रहे थे तो इनको मैंने रास्ता बताया कि ये इस तरफ से रास्ता जाएगा। पहले हम बाग में जाते हैं फिर आगे जाएंगे, बाग को देखते हैं कोई इसमें है तो नहीं इंसान वगैरह। ये हमारी करेले की वेल है, हमने इसको लकड़ी लगाई है और जब इसको हवा लगती है तो ये वेल जो है खूब फैलती है, इसलिए हमने ये लकड़ी लगाई है। इधर भी लगाई है और उधर भी और उस तरफ भी लगाई है ये सामने, और इसको करेले लगने भी शुरू हो गए हैं। ये देखें करेले लग चुके हैं इसको। ये हमारे टमाटर हैं, देसी टमाटर। और ये सामने भिंडी खड़ी है और इस तरफ ये फार्मी टमाटर है जो बड़ा टमाटर होता है। देखिए तैयार हो गया है। और ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं ये मैंने खोदी है और यहाँ पर जो है मूंगी काश्त, यहाँ पर हमने तिली काश्त की थी लेकिन यहाँ पर जो है हुई नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर कोड़ कर इसमें मूंगी लगा दी। और ये है देसी आड़ू का पौधा। ये मैंने यहाँ पर चार पे निकाल के रख दी है और मैं जा रहा हूँ चारा काटने के लिए, और चार पे इसलिए निकाली हैं ताकि लोगों को पता चले भाई कोई है यहाँ पर
और आगे कुछ काम कर रहा है। वो लोग चूना लगा रहे हैं जिसके चावल बनते हैं, और ये आ गई बड़ी नहर जो है गुलशेर से निकलती है लिंक नहरों से, जो कि दरियाए सतलुज में आती हैं पानी लेके। ये काफ़ी बड़ी नहर है। सलाम अलैकुम कारी साहब। सलाम कारी साहब, सलाम। अब हम चारा काट के वापसी जा रहे हैं बाग की तरफ। ये हमारा चारा है मकई का। अब हम चलते हैं बाग की तरफ और चरी काटते हैं। बछड़ा जो है हमने वो बेच दिया तकरीबन एक माह पहले, इसलिए हम ये छोटी जड़ी है इस पर लेके जा रहे हैं। अभी हमारे पास छोटी सी बच्ची है बैड, उसको हम लगा रहे हैं, फिर हम उसके पीछे जड़ा जोड़ के उसके ऊपर आके लेके जाएंगे। और ये इस तरफ बाग है अमरूद का। ये यहाँ पर पहले कुआं था बहुत गहरा, तकरीबन 60 फीट गहरा। अब यहाँ पर परिंदों का बसेरा है, वो सामने सुराख, इसमें परिंदे रहते हैं। ये जो आप परिंदे देख रहे हैं नीचे, ये इसमें रहते हैं। अब वापसी में आया हूँ बाग की तरफ,
और यहाँ से हमने चारा काटना सिर्फ भैंस के लिए, ताकि जो दूध कम हुआ है उसकी मकदार पूरी हो सके इस चारे से। और जो हम मकई का चारा डालते हैं उससे दूध कम हो जाता है और दूध भी पतला हो जाता है, मतलब कि ऐसे हो जाता है जैसे उसमें पानी डाला गया हो। कल हमें इस तरफ ऐसे चारा काटा था और आज हम चारा इस तरह ऐसे काट रहे हैं मशरक और मगरब की तरफ। चारा हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि पीछे मेरी साइड पे एक आम का दरख्त है और हम पीछे बैक साइड पे बैठते हैं तो वहाँ से नज़र नहीं पड़ती वहाँ पर कोई आ रहा है या कोई उतार रहा है, इसलिए हम आ रहे हैं ताकि वहाँ पर बैठे और नज़र सारी दूसरी साइड पर जा सके। ये हमने खरगोशे के लिए काटा है, ये कहा जाए खरगोशों को डालना है इसलिए ये अलग रखा गया है। ये अब हम आड़ू खाने लगे हैं, खालस देसी आड़ू बहुत लजीज होता है। और ये जो आप पानी देख रहे हैं ये नहर का पानी है और ये पानी पहले वाले ज़माने में लोग पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लोग पानी रात को भर के रख लेते थे और सुबह तक वो जो है पानी ऊपर से साफ़ हो जाता था और मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती और फिर वो पानी इस्तेमाल किया जाता। खालस ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं चने की दाल पकाने के लिए। मेरी दादी जो है ना वो पहले पकाती थी तो वो पानी भर के रख लेती थी और भर कर एक दिन के बाद पानी नितार कर, मतलब ऊपर से जो पानी है उसको बाहर निकाल के वो पानी दाल में डालती थी, उससे जो दाल बहुत लजीज पकती थी। लेकिन अब पानी ये गंदा हो चुका है इसलिए हम इससे पानी नहीं भरते और ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हाथ मुँह धोने के लिए ये इस्तेमाल होता है। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं मिलता वहाँ पर लोग ये पानी इस्तेमाल करते हैं, या जैसे बिजली अब महंगी है तो लोग पानी ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं।
हम दस मजा आ रहा खान का। और आप लोग अगर खालस देसी आड़ू खाना चाहते हैं और आम, तो हमारे बाग का, मेरे गांव का नाम कान सिंह है, ये ज़िला पाकपतन की मशरक वाली साइड पे है और साथ ही में ये थोड़ा सा आगे जाएं तो ज़िला उकाड़ा की हदूद शुरू हो जाती है। तेरे अगे कर अब ये घर की तरफ लेके जा रहा है और मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा। और ये हमारा शैम्पी है, इसको बुखार हो गया। इसका टेम्परेचर मैंने कल चेक किया था तो 102 पे टेम्परेचर आया इसका। इसको दवाई खिलाई है तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आपकी दुआओं से, आपने दुआ करनी है और ये ठीक हो जाएगा। Thank you.
ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਕੇ ਆਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਡੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਆਕੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ये तंदूर है रोटी लगाने के लिए, ये मैं लेने आया हूँ यहाँ से।